नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज का जो वीडियो है हाईली रिक्वेस्टेड है। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि दी प्लीज़ अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो कि हर एक इंडियन स्किन टोन पे अच्छी लगे, प्यारे प्यारे से शेड्स हो एंड साथ ही साथ में लॉन्ग लास्टिंग हो। सो यस, आई एम अ लिपस्टिक लवर। लाइक मुझे लिपस्टिक्स लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर टॉप 10 ऐसी लिपस्टिक्स जो हर एक इंडियन स्किन टोन पे अच्छी लगेगी और सारे पर्पज आपके सॉल्व करेगी। सो यहाँ जितनी भी लिपस्टिक्स है सबके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ऑलमोस्ट सब मैंने अमेजोन से परचेज की है, जस्ट बिकॉज की एक तो डिस्काउंट बहुत अच्छा मिल जाता है एंड डिलीवरी भी गाइज बहुत जल्दी मिल जाती है। तो चलिए गाइज फटाफट से स्टार्ट करें हमारा आज का वीडियो, जो कि है टॉप 10 बेस्ट लिपस्टिक्स जो कि हर इंडियन स्किन टोन पे अच्छी लगेगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट लिपस्टिक है दैट इज फ्रॉम ब्रांड फेसेस कनाडा एंड आई एम इन द शेड फॉरएवर रेड 03 एंड दिस इज अल्टीमेट लिप कलर। लाइक आप इसको किसी भी अटायर के साथ लगा सकते हो, चाहे आपने वेस्टर्न पहना हो, इंडियन पहना हो, मतलब कुछ भी हो, कैसे भी पार्टी फंक्शन नॉर्मल डे में भी आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत ही प्यारा सा कलर है, एकदम जो चेरी रेड कलर आता है वैसा कुछ इसका टोन है और लगाने के बाद हर एक स्किन टोन पे काफी ज्यादा प्रिटी लगेगा। सो या गाइस, जो नेक्स्ट माय फेवरेट कलर है दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड शुगर और ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ना, यू कैन इमेजिन अगर आपने मॉर्निंग में लगाई ना तो आप नेक्स्ट मॉर्निंग में जब तक अपना फेस वॉश नहीं करोगे, माइसेलर वाटर के थ्रू इसको रिमूव नहीं करोगे, तब तक ये लिपस्टिक नहीं निकलती है। शुगर की ये जो स्मच मी नोट रेंज है दिस इज़ अल्टीमेट। लाइक इतने प्यारे प्यारे शेड्स है, नॉमिनल प्राइस की है 799 रुपीज़ के अंदर आपको 4 मिनी लिपस्टिक्स मिल जाती है। लगाने के बाद आप देखो कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। ये वाला शेड मेरा सबसे फेवरेट है एंड शेड नेम इज 08 वाइंड एंड शाइन। एंड जो नेक्स्ट शेड है गाइस दैट इज फ्रॉम ब्रांड मेबलिन न्यूयॉर्क एंड सुपर स्टे मैट इंक रेंज से है ये एंड शेड इज 80 रूलर एंड बहुत ही प्यारा सा मॉव पिंक कलर है। डेली रूटीन में आप इसको लगा सकते हो अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो और एक अच्छा सा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अगर आपने सुबह लगाया है शाम तक एज इट इज आपके लिप्स पे रहे देन यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर। ये वाला शेड काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, हर एक ड्रेस और हर एक पार्टी फंक्शन नॉर्मल रूटीन में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज़ रियली परफेक्ट लिप कलर फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन और जो सुपर स्टे रेंज है इसका कोई भी लिप कलर आप देख लो, काफ़ी कम ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेंगे बट काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। मतलब 7 to 8 शेड्स है बट सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो या एंड नेक्स्ट शेड इज़ फ्रॉम ब्रांड शुगर मैट अटैक ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक 12 द पिंक्स इसका शेड है और बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है, जो नियॉन पिंक कलर होता है वैसा है। तो काफ़ी ड्रेसेस ऐसी होती है, काफ़ी स्किन टोन ऐसी होती है जिन पे इस कलर के शेड लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लुक आता है। सो ये शेड मेरा मोस्ट फेवरेट है, अगर आप नियॉन के अंदर देखोगे ना बहुत ही प्यारा लगता है लगाने के बाद एंड इतना बटरी वाला इसका टेक्सचर है, मतलब एक स्वाइप में आपको बहुत ही प्यारा सा पिगमेंटेड कलर ये प्रोवाइड करता है। सो या एंड जो नेक्स्ट लिप कलर है गाइस दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड मेबलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे इंक क्रेयॉन 05 लिव ऑन द एज इसका शेड है। ये आता है ब्राउन फैमिली से और काफ़ी ज़्यादा प्यारा बर्गंडी ब्राउन कलर है, जो कि हर एक स्किन टाइप पे काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो सुपर स्टे रेंज से है अगेन ये, तो लॉन्ग लास्टिंग है और बिल्कुल भी जो आपके लिप्स हैं उनको ड्राई या चैप्ड नहीं रखता है, बहुत ही हाइड्रेट रखता है। लाइट फॉर्मूला है, लगाने के बाद आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपके लिप्स पे आपने कुछ लगाया हुआ है एंड दिस इज ट्रांसफर प्रूफ किस प्रूफ, मतलब जैसे आप अप्लाई कर लोगे 7 to 8 आवर्स के लिए आपके लिप्स पे एज इट इज स्टे करेगा। जो नेक्स्ट लिप क्रेयॉन है गाइस दैट इज अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन और ये भी सुपर स्टे रेंज से है एंड जो शेड है दैट इज 35 ट्रीट योरसेल्फ और ये आता है पिंक फैमिली से, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है। तो काफ़ी लोग होते हैं जिनको ना पिंक और रेड इस तरह के कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं एज कम्पेयर टू ब्राउन न्यूड शेड। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लॉन्ग लास्टिंग पिंक लिप कलर देन यू मस्ट गो फॉर दिस प्रोडक्ट गाइस। बहुत ही लाइट फॉर्मूला है, पिगमेंटेशन आप लोगों के सामने आप देख सकते हो, काफ़ी प्रिटी लग रहा है लगाने के बाद और हर एक ड्रेस के साथ हर एक पार्टी फंक्शन में आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हो। सो या yeah.
तो जो नेक्स्ट कलर है गाइज, दैट इज़ अगेन फ्रॉम ब्रांड मेबलिन। और मुझे लगता है आज का वीडियो ना मेबलिन हॉल हो गया है, बट ट्रस्ट मी, ये जो सुपर स्टे रेंज है ना बहुत ही अल्टीमेट है। इनके क्रेयॉन्स देख लो, इनका जो लिक्विड लिपस्टिक है बहुत लंबे टाइम तक स्टे करती है। और ये जो शेड है दैट इज़ 15 लवर, काफ़ी प्रिटी शेड है ये, एकदम मॉव पिंक और रेड टच के अंदर है, मतलब पिंक और रेड टच के अंदर आप मान सकते हो, ना प्रॉपर रेड है ना पिंक है। तो अगर आप कुछ आउटफिट पहन रहे हो, कोई पार्टी फंक्शन में आप जा रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा लिप कलर लगाना चाहिए, देन दिस इज द ऑप्शन। बहुत ही प्यारा सा कलर है, लगाने के बाद बहुत प्रिटी लगता है और आई मस्ट से हर एक स्किन टोन के लिए परफेक्ट शेड है। पर्सनली ये रेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक तो लॉन्ग लास्टिंग है, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, लगाने के बाद लिप्स पे बिल्कुल भी कैकी फील नहीं होता है, काफ़ी इजी रहते हो, मतलब आप लगा के भूल जाते हो इन लिप क्रेयॉन्स। जो नेक्स्ट लिप कलर है गाइस, दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड शुगर मैट एज हेल क्रेयॉन लिपस्टिक एंड आई एम इन द शेड 24 राशल बेरी। दिस इज़ एब्सोल्यूट माई फेवरेट, लाइक दिस इज़ माई सेकेंड परचेज, फर्स्ट मैं ऑलरेडी इसका पूरा फिनिश कर चुकी हूँ। इतना प्यारा ये वाइन कलर है, मतलब स्क्रीन पे आई डोंट नो क्यों थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा डार्क वाइन कलर है। सो स्पेशली अगर आपका मीडियम स्किन टोन है या डस्की है, थोड़ा सा डार्क शेड में आप आते हो, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है हर एक स्किन टाइप पे, मतलब फेयर पे तो अच्छा लगता ही है, अगर आप थोड़ा सा डार्कर शेड में हो तो भी आपके ये कलर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है, अगर ये शेड आपने लगा लिया ना, अलग से आपको कोई भी आई मेकअप वगैरह करने की नीड नहीं है, अपने आप में आपके फेस को बहुत अच्छा ग्लोई बनाता है। एंड जो नेक्स्ट लिप कलर है गाइज, दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड लैक्मे, 9 to 5 रेंज से है ये, एंड जो शेड है दैट इज़ कोका सॉफ्ट। जैसा कि नाम से सजेस्ट है, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सा कलर है, ब्राउनिश, थोड़ा सा न्यूट शेड भी बोल सकते हैं हम, और थोड़ा सा ग्लोई इफेक्ट भी ये दे रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। सो वेटलेस फॉर्मूला के साथ ये रेंज है लैक्मे की 9 to 5, तो लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बिल्कुल फील नहीं होता है कि आपने लिप्स पे कुछ लगाया हुआ है, और कोई भी स्किन टोन है आपकी, फेयर पे भी अच्छा लगेगा ये, मीडियम पे भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब स्पेशली इंडियन स्किन टोन पे ना इस तरह के शेड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई मस्ट से अगर आपकी वैनिटी में इस तरह का ब्राउन कलर नहीं है तो आपको ऐड कर लेना चाहिए, बहुत ही प्रिटी लगता है लगाने के बाद। सो या जो नेक्स्ट लिप कलर है गाइस, दैट इज़ फ्रॉम ब्रांड स्विस ब्यूटी। तो लिप कलर की बात हो, स्विस ब्यूटी की बात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो शेड है दैट इज़ 04 हॉट चेरी, और हमारे इंडियन स्किन टोन पे ना ये जो हॉट चेरी या हॉट रेड पिंक इस तरह के कलर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगता है, मतलब इंडियन स्किन टोन है ऐसी कि आप कोई भी शेड लगाओ, कैसा भी पिंक रेड ब्राउन टच, कैसा भी कलर आप लगाओ, आप पे सब कलर काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगेगा। सो ये थोड़ा सा रेडिश चेरी कलर के अंदर है, तो इंडियन आउटफिट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी ये वाला शेड है, एज़ वेल एज़ आप इसको वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ ईजिली कैरी कर सकते हो, इतना प्यारा ये रेड चेरी कलर में है, मतलब बिल्कुल भी भड़काऊ नहीं है, बहुत ही सॉबर सा सटल सा कलर ये फेस पे लगाने के बाद लगता है। सो या गाइस, सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। ये थे मेरे कुछ फेवरेट शेड्स जो कि हर एक इंडियन स्किन टोन पे अच्छे लगेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।